गुड़ इमली की चटनी का नाम सुन के मुँह में चटनी का खट्टा मीठा स्वाद महसूस होने लगता है। इस चटनी की खासियत ये भी है कि इसको एक बार बना के काफी दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखा जा सकता है और जब भी खाने का मन हो आप इसको खा सकते हैं। स्वागत है आप सभी का A1 Sky Kitchen में क्विक सिंपल एंड इजी रेसिपीज के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इमली लेंगे। आजकल बाजार में इमली बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। फिर इसके बाद इसमें पानी डाल के इसको वॉश कर लेंगे ताकि इसमें अगर कोई भी डस्ट वगैरह हो तो वो क्लीन हो जाए। इसको करीबन मैंने 2-3 बार पानी से धोया है। धोने के बाद इमली में पानी डाल के उसको भिगो के रख देंगे ताकि इमली थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इमली थोड़ी सी फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें जो हमने इमली फुला के रखी थी उसके पानी के सहित में पूरा डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए उबालेंगे ताकि इमली हमारे बिल्कुल अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। ये देखिए इमली हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है और पक गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो इसको छन्नी की सहायता से इसको छान लेंगे ताकि इसके जो भी बीज वगैरह हैं वो सारे निकल जाएं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के भी इसका पल्प निकाल सकते हैं। लास्ट में इसको हाथ की सहायता से इसका पल्प निकालेंगे ताकि वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। ये हमारा इमली का पल्प तैयार हो गया है। अब इसको एक साइड रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें तेल डाल के उसको गरम करेंगे। तेल जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा फिर उसमें हम सौंफ, जीरा, कलौंजी डाल के इन सभी चीजों को धीमी आंच पे सौटे करेंगे। इसमें जैसे हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी तो हमने जो इमली का पल्प तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और इन सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे और एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक और इन सभी चीज़ों को चला देंगे और अब हम इन सभी चीज़ों को पकाएंगे। इसको हम बीच बीच में एक दो बार चलाते भी रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि सब चीज़ें अच्छी तरीके से पक रही हैं कि नहीं। जैसे ही ये पकना चालू हो जाएगा तो ये हल्का हल्का गाढ़ा भी होने लग जाएगा और ये देखिए हमारी स्वादिष्ट खट्टी मीठी इमली और गुड़ की चटनी बनके तैयार है। जैसे ही ये ठंडी होगी ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना खूब सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। थैंक यू, बाय बाय।